नमस्कार, आप देख रहे हैं सार न्यूज़। मैं रिज़वी, मैं अभी मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पटना में, और जैसा कि यहां पे उत्साह देखने को मिल रहा है तमाम कार्यकर्ता का, बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, अबीर लगाया जा रहा है, गुलाल बांटा, मतलब कि जितनी खुशियाँ हैं लगता है कि यहाँ पर आज डबल हो चुकी है। इसलिए कि 4 राज्य में आज जो चुनाव का जो नतीजा आया है, 3 राज्य में बीजेपी की बहुमत ज़बरदस्त जीत हुई है, उसका उत्साह देखने को आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं 24 के लिए एक तरह से बोला जाए एनर्जी पावर, बूस्टर पावर का काम कर चुका है बीजेपी के लिए। और कांग्रेस जो इंडियन जो बना था गठबंधन, कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखता नज़र आ रहा है। इसलिए कि इंडियन की जो गठबंधन थी वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में रणनीति नहीं बना पाई, और जो नीतीश कुमार ने पूरे हिंदुस्तान के जो विपक्षी पार्टियों को एकजुट किए थे वो कहीं ना कहीं फेल दिखता नजर आया। और ये 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है बड़ी बहुमत से, बहुत ही उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है। लेकिन ये संकेत 2024 के लिए जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस या इंडियन गठबंधन के लिए बढ़िया नहीं कहा जाएगा। बीजेपी के लिए डबल बूस्टर काम कर चुका है, और 2024 में देखिए किस तरह से उत्साह है लोगों में। देखिए यहाँ पे उत्साह जबरदस्त उतारिए, उनसे बात कर जबरदस्त उत्साह। 2024 का क्या लगता है, ये बूस्टर का काम कर चुका है पूरा? बिल्कुल, 2024 में हम 400 पार करेंगे। मोदी जी के नीतियों, उनके कार्यक्रमों को देश की जनता ने आज मुहर लगाने का काम किया है, मोदी की गारंटी पर मुहर लगाने का काम किया है, मोदी जी के साथ चलने का एक चुनाव है, मोदी जी के प्रतिबद्धता के साथ देश की जनता खड़ा है, और इस चुनाव के माध्यम से उन्हें बताने का काम किया है देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित रहेगा, देश का विकास मोदी जी के नेतृत्व में होगा, देश का चहुमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा। इंडियन गठबंधन का लगा पाना कहीं ना कहीं इंडिया मुखौटा में था, जितना भ्रष्टाचारी और वंशवादी पार्टी था ना, इंडिया के INDI के बैनर लगा के उसके पीछे छुपने का काम किया, लेकिन देश की जनता बैनर को, उसके मुखौटे को उखाड़ के फेंकने का काम किया है। कहीं के नहीं रहेंगे, इनके चाल चरित्र चेहरे को देश की जनता जानती है, और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे, उत्साह देखने को मिल रहा, बम पटाखे, अबीर, मिठाई, उत्साह? जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी आदरणीय सूर्य नंद पटेल जी ने बोला, ये जीत विकास की जीत है, ये जीत अधर्म पर धर्म की जीत है, और ये जीत सबसे बड़ा बात जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बोला था, उनको इस जीत से यह सीख लेना चाहिए कि हम एक अपने परिवार में बुजुर्ग के साथ कैसे बात करना है। वो देश के प्रधानमंत्री को शब्दों का चयन करने में गलत किए हैं, तो ये अभी पहली झांकी है, और 2024 की झांकी होगी जब हम 400 पार को जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। क्या कहना है उसका? ये 2014 के बाद जो मोदी लहर आया देश में, इसको कोई काट नहीं कर सकता है, जितना भी गठबंधन बना लीजिए, ये ठगों का गठबंधन है। यहाँ मोदी जी स्वच्छ छवि के इंसान है, और सारा देश उनको प्यार करता है, इसलिए आज मोदी ही पूरे देश में डंगा बजा रहे हैं। जय मोदी। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि ये 2024 का लोग बता रहा था ना, ये सेमीफाइनल हम लोग जीत चुके हैं, बूस्टर का काम कर चुका है, बिल्कुल बूस्टर डोज का काम कर चुका है, और आने वाले समय में 2024 में बीजेपी 400 प्लस जाएगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। ये जीत है, जीत का उत्साह देखने को मिल रहा है, अबीर गुलाल आपके चेहरे पर खिल रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये खिलना ही चाहिए था, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ की जनता ने पहले ही होली दिवाली मनाने का संकल्प ले लिया था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक स्पष्ट नीति के साथ लोगों के बीच काम करने का कार्य किया है, और हर जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, उससे लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। बल्कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं नहीं भी थी, वहाँ के लोगों ने भी भाजपा को वोट दिया है। यानी कि लोग अब नियत पर भरोसा करने लगे हैं और यह एक कह सकते संकेत है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से लोकसभा के में चुनाव में जीत दर्ज करेगी डेफिनेटली। और मुझे लगता है अगले बार 400 के पार हम लोग लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। डॉक्टर प्रीति शेखर, बीजेपी प्रदेश भाजपा मीडिया।